शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नमस्कार, मैं हूं खुशी अति और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। स्वागत है आपका एक बार फिर नवरात्रि के पांचवें दिन के खास कार्यक्रम में जिसका नाम है नवदुर्गा। आज हम जानेंगे कि पांच दिन के नवरात्रि में कौन सी माँ की पूजा होती है और क्या है उनकी महिमा। आज नवरात्र पर्व का पांचवा दिन है। इस दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना और उपासना की जाती है। स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। इनके दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में व नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें भी कमल पुष्प ली हुए है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसी कारण इन्हें पदासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। नवरात्रि का पांचवा दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान के स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। तो आपने अभी जाना स्कंद माता की महिमा के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के पांचवें दिन कैसे करें स्कंद माता की पूजा और क्या होगी पूजा की विधि। आइए देखें। स्कंद माता की पूजा विधि कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य से जो साधक दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं उनके लिए दुर्गा पूजा का यह दिन विशुद्ध चक्र की साधना का होता है। इस चक्र का भेदन करने के लिए साधक को पहले माँ की विधि सहित पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए कुश अथवा कंबल के पवित्र आसन पर बैठकर पूजा प्रक्रिया को उसी प्रकार से शुरू करना चाहिए जैसे आपने अब तक के चार दिनों में किया है। फिर इस मंत्र से देवी की प्रार्थना करनी चाहिए और पंचोपचार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि की पंचम तिथि को कहीं कहीं भक्त जन उद्दंग ललिता का व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को फलदायक कहा गया है। जो भक्त देवी स्कंद माता की भक्ति भाव सहित पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। तो आपने अभी जाना स्कंद माता की पूजा कैसे करें व उसकी विधि क्या है। अब हम आपको बताते हैं स्कंद माता के महत्व के बारे में।
नवरात्रि पूजन के पांचवें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक संसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पदासना माँ स्कंदमाता के स्वरूप में पूर्णता तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभाव मंडल प्रतिक्षण उसके योग क्षेम का निर्वहन करता रहता है। हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। अभी आप देख रहे थे BVM न्यूज का खास कार्यक्रम नवदुर्गा, जिसमें माँ स्कंदमाता की महिमा, पूजा की विधि व महत्व के बारे में बताया गया। पांचवें नवरात्रे में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी छठे नवरात्रे के साथ। नमस्कार। कन्दमाते षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महान्।